Hi, hello, and assalamu alaikum, and welcome to yet another episode. I hope your favorite show, The Couple Show. आज के एपिसोड के अंदर सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब भी मेरे कोई फेवरेट गेस्ट आएंगे, जाहिर है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और ये दोनों ही यकीन मानिए, झूठ नहीं है, मेरे दिल के बहुत करीब हैं. और जो मेल हजरत हैं, उनके बारे में मैं सबसे ज़्यादा जो बात समझता हूँ वो ये कि वो दिल के अभी भी 22-24 साल के हैं. इससे उनकी उम्र मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी बढ़ेगी. बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, बहुत ही कमाल के प्रोड्यूसर हैं. बेगम उनकी भी प्रोड्यूसर हैं, ड्रामे बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, म्यूज़िक का बहुत लगाव रखते हैं. तो मैं जो रीज़न पहला बता रहा था वो थोड़ा हटके इसलिए था क्योंकि जब मैं कराची आया था तो वैसे कोई पूछता नहीं था. तो कहीं पार्टी करने का मौका मिले या कहीं कोई अच्छा गेट टुगेदर का हिस्सा बनने का मौका मिले, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता था. तो ये वो थे जिन्होंने मुझे आप कहो कि मेरा जो वक्त अच्छा हो गया कराची में वो इनके घर जाने की वजह से हो गया. बिकॉज़ आई ऑलवेज़ हैड फन और मुझे लगा कि हाँ यार, कुछ लोगों के लिए हम भी अहमियत रखते हैं. और वो तो बहुत लोगों के लिए अहमियत रखते हैं क्योंकि कराची में जो लोग भी इंडस्ट्री के लोग खुश रहना चाहते हैं वो इनके घर जाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा खाना पीना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर द बेस्ट होस्ट आई गेस इन द इंडस्ट्री. सो उससे पहले मैं उनको बुलाता हूँ जिनके की वजह से मेरे घर में मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि उनकी ये फरमाइश है कि मैं हमेशा अकेला आऊँ शो में और फिर बहुत सारी तारीफें करके उन्हें बुलाऊँ. तो आज मैं सोच रहा हूँ कि तारीफ़ें कम करते हैं, इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्यों इतनी फुटेज लेकर बाद में आती हैं. प्लीज़ वेलकम द लव ऑफ माई लाइफ, हिना अल्ताफ. आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि आगा ने मेरी कम तारीफ की है, मेरी कम बातें की और अपने गेस्ट की ज्यादा बातें की. उसकी वजह है, एक तो ये गेस्ट मुझे वाकई बहुत मेरे दिल के करीब हैं. आप मेरे ज्यादा दिल के करीब हो, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ कि जो आपके आज के गेस्ट हैं वो इंडस्ट्री के वाहिर ऐसे लोगों में से हैं कि जब मेरी आपसे शादी हुई थी उनका मैसेज मेरे पास आया था. और उनका मैसेज ये था कि जिस शख्स से, बहुत सारे लोगों ने किया था लेकिन उनका बहुत एक्सक्लूसिव मैसेज था और वो ये था कि जिस शख्स से आपने शादी की है वो एक अच्छा इंसान भी है और बहुत टैलेंटेड भी है. तो मुझे ऐसा कैसा लगा कि मैंने सही काम कर दिया है. वजाहत रऊफ एंड शाजिया वजाहत. छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो बला है जो समझ न आए. छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो बला. बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त निकाला और आप लोग आए. ये आप तो जानते हैं कि आप लोग मेरे बहुत फेवरेट हैं. वेलकम. आपने यार इंट्रो में बहुत तारीफ कर दी, आजकल कोई किसी की तारीफ करता नहीं. आपने नोटिस किया होगा. मैं तो जिसकी बनती है मैं उसकी जरूर. आपने बड़ा बड़ा हार्ट टू हार्ट किया, बड़ा अच्छा तो सबको लगता है, बट आई थिंक सच भी था एक हमारा ताल्लुक. बिल्कुल बिल्कुल, काफी राय और अभी भी है. और बड़ा मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला. नहीं, कोरोना टाइम से तो वो धूमधाम से वैसे नहीं हो सका, बट मैं ग्रीटिंग्स ही आपको एटलीस्ट दे दूं. वो बहुत मैटर किया था, वो मैंने आगा को भी वैसे भी बताया था और आज मैंने शो पे ही बताना जरूरी समझा. और थैंक यू वेरी मच, इंडस्ट्री से किसी ने इतना अच्छा मैसेज नहीं भेजा था. सबने सब आगे दे मैसेजेस, सब यहां कांग्रेचुलेशंस, हैव फन, हैव फन, बट थैंक यू. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू यू, आपको पता ही है. और मेरी दुआ है कि हम कई कुछ सालों बाद ऐसे दिखें भी. मैं भी इतना हैंडसम लगूं. वो मुझे याद है एक दफा बेसमेंट में जो हमारी तस्वीर लगी हुई है उसको देख के आप, मैंने आप में बिल्कुल कहा था. एक ये भी बड़ी जिक्र कर ही दिया है शाजिया ने, एक फोटो है शायद आपने नहीं देखा, मैंने देखा है इनका एक पिक्चर है, वो एक फोटोशूट हुआ था शायद कभी. एंड इट लुक्स लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, इट डजंट लुक रियल. क्योंकि जो प्यार मैंने उस, ये मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे इतनी मैं यूं करके खड़ा होके देख रहा था कि जैसे मैं यू नो जो मैंने इसको आगा को बताया कि इसके बाद हमने बड़ी कोशिश की मोमेंट था जो दोबारा लाइट वाइट सेट कर रहा था, मैंने कोई जोक मारा, ये हंस पड़ी, कभी कभी हंसती मेरे जोक्स पे, तो वो मोमेंट था. कभी कभी
वैसे शादी को कितने साल हो गए? कितने साल? अभी मार्च में 23 इयर्स। बचपन में शादी कर ली थी। बाकी 21 सिल्वर जुबली तो अगर आप मंगनी को काउंट करें जब 3 साल थी तो हो चुकी है। हम 26 इयर्स से आप लोग माशाल्लाह इस मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और मुझे लगता है ये बढ़ती ही जा रही है। तो मैं वजाहत से सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनका ये माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं जरा 30 के हो जाए, बल्कि 30 के भी नहीं, 35 के हो जाए। आप लोग कितने? 20s में? I'm 27. ऐसा भी नहीं है, I'm 20s. मैंने बड़ी सच अपनी एज बताई है। ऐसा हो रहा था कि अच्छा मैंने वहाँ देखा टोपी पहनी हुई, I didn't realize. इसकी वजह है, ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है, वजह है वो आपको बाद में बताऊंगा, लोगों को भी बाद में पता चलेगी। कोई नहीं। Anyways, तो क्या बात हो रही थी कि कैसे मतलब आजकल तो यंगस्टर्स कहते हैं कि जरा सेट हो जाएं। वो बड़ा फिल्मी सीन था। मैं बाहर जा रहा था पढ़ने, एलए कैलिफोर्निया पढ़ने जा रहा था, तो इन्होंने मुझे वो हीरोइंस की तरह कहा कि देखो 4 साल बाद पत्नी, मेरे रिश्ते हो जाएंगे, ये वो हो जाएगा। मैं बच्चा था, नादान था, FL48। मैंने कहा हाँ यार कहीं निकल ना जाए, लेकिन फिर लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार वाकई ये नहीं मिलती तो फिर कुछ डिफरेंट लाइफ होती। जरा आपको नहीं, एक दूसरे को मिल गए हैं जी, थोड़ा सा नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाए ना तो आपकी पूरी लाइफ अलग मैप हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या हुआ। मैंने कहा दिस वन इज द कीपर, इसको रख लें और फिर बाहर जाएँ। तो साथ कॉलेज भी मेरे साथ थी अमेरिका में थ्रू आउट। अरे वाह यार, ये 3 साल तो बहुत सारे गुनाहों से भी बच गया मैं। बिल्कुल, बहुत सारे गुनाहों से। लेकिन 21 की एज में जब ये डिसीजन आप ले रहे थे तो फैमिली ने नहीं कहा कि वजाहत जज्बाती फैसला तो नहीं है, देख लो? हाँ जी, वो थोड़ा सा हंसे पहले जब मैंने उनको बोला कि शादी करनी और अभी करनी है। 17 में वही आई वाज अबाउट टू आस्क यू दैट कि आप तो बहुत ही मतलब 18 में मंगनी हुई थी एंड वी ग्रेजुएटेड टुगेदर एंड द फैमिली वाज ओके। इतने वजाहत पसंद आ गए थे उन्हें कि उन्होंने कहा कि बच्ची हमारी 17 की भी है तो कोई नहीं, हमें पता है खुश रहेगी। खुद भी यही थे ना, हम हमारी तकरीबन एज दोनों की सेम थी। तो अच्छा, वजाहत के बारे में ये बात तो मशहूर है आगा और सब जानते हैं, इनके बारे में बहुत बात है, बारी बारी आऊंगा। लेकिन उतनी नहीं जितनी आपके बारे में मशहूर है। अच्छा, वजाहत के बारे में ये बात सब जानते हैं कि शाजिया से इनको बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मोहब्बत का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, क्या चीज अच्छी लगी, तुम बताओ? आप गाते बजाते हैं थोड़ा बहुत एमेच्योर लेवल, तो वो अपना कीबोर्ड था ले आना। और ये म्यूजिक का शौक भी 7 साल की उम्र से बजा रहा हूँ मैं, प्ले से 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स वो मैं बचपन से बजा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई गाना गाओ, वो करो। मैं गाना गा रहा था, ये वहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने कहा कि मुझे भी म्यूजिक का शौक है, ऐसे जरा स्मॉल टॉक ने मिलवाया कि भी ये फलाने हैं, ये गाय सिंगिंग और इनकी बेटे हैं, वफा आ गया। और अभी ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहूंगी, मैं पूछूंगी कि आखिर इंट्रो में इतना पार्टी पार्टी क्यों कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि मैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं आसिम जोफा से मुझे। हमारे यहाँ डिनर पार्टीज होती है। देखिए एक्चुअली ये अगर किसी को कोई गलत फहमी हो भी रही है तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, पार्टी से मेरी मुराद यही थी कि इनके, पर इसमें कोई गलत बात भी तो नहीं ना कि आपका घर जो है वो हम सब भटके हुए मुसाफिरों के लिए एक तरह का वो एक है कि अगर थोड़ा अच्छा वक्त गुजारने को मिलेगा, सब दोस्त तैयार होंगे इकट्ठे, तो नॉर्मली वो यही होते हैं, एक आसिम जोफा साहब के घर पे होते हैं। हाँ, डिनर पार्टी जहाँ हम जाते हैं, बातें बातें करते, खाना वाना खाते, इनके यहाँ एक ऐसा ही प्रोजेक्टर है, उस पर कभी कुछ देख रेख लेते और घर चले जाते। बहुत डिटेल्स दे रहे, क्योंकि जरूरी है ना, को अब देखो सब बता दिया मैंने। और लाइव म्यूजिक, और लाइव म्यूजिक आगा तो गाते कितना अच्छा है। इससे गवाऊंगा एंड में, मैं जो है मैंने गिटार बजाना और आपने गाना है, क्योंकि हमने ऐसा मेरे घर पे बहुत किया है, आज बहुत किया है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि इस शहर में सबसे ज्यादा, अगर मैंने सबसे ज्यादा क्या, आई थिंक वाहिद आपका ही घर है जहाँ जाकर मैंने गाना गाया, बहुत एंजॉय किया। हमने हमेशा नींद आती नहीं गाया, नींद आती नहीं गाया, क्योंकि वही गाना शायद हमें गाना और बजाना है। तो आइए एक बहुत ही अनोखी गेम की तरफ चलते हैं। एक ये हमारे पास जादू का बोल है, इसके अंदर से एक अदद चिट निकलेगी, वो चिट से पता लग जाएगा उनको कि क्या बनाना है, ठीक है? और वो आपकी कमर पे एक पेपर रख के ऐसे उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करेंगी, जबरदस्त। और बात सारी महसूस करने की है इस गेम में। और आपका वक्त शुरू होता है टू ड्रॉ व्हाटएवर इट इज। अब आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। नहीं यार, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हाँ, बोल नहीं सकते। गुड गुड, करीब है, करीब है, करीब करीब है जी। दोबारा बना दूँ ये? थोड़ा जस्ट मेक श्योर दैट शी प्रेस इट अ लिटिल हार्डर, मुझे लग रहा है कागज ना हो जाए कहीं जी, मैं दोबारा बना रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ये कोशिश अच्छी है जी। ऑब्जेक्ट है कोई? हाँ, बिल्कुल समझ नहीं आया वैसे तो, एक दफा फिर से बनाओ। ओके, बहुत अच्छी कोशिश, एक ही चीज
पांचवी दफा बनाते हुए और बजाते से मुझे तो ये समझ आ रहा है ऐसा कुछ हुआ और ऐसा कुछ हुआ कौन क्लोज कहीं पहुंच गए मोर लाइक कौन मोर लाइक आइसक्रीम टाइप दूसरा बना देती हूं दूसरी चीज दो चीजें हैं अगर मैं ये बनाऊंगी तो शायद तुम इसके साथ दूसरा समझ जाओ ये बात अब इसके साथ This I think is बहुत ही zigzag कर दिया तुमने यार हाँ जी फिर बनाओ जी कुछ समझ आई हो फिर बनाओ जी अच्छा आई थिंक अब ये हम आखिरी अटेम्प्ट कर रहे हैं हाँ आखिरी अटेम्प्ट कर रहे हैं हाँ थोड़ा लेफ्ट जोर से करो मुझे एच भी हो रही सही हो जाएगी बड़ी देर से मुझे हो रही थी सही हो जाएगी वो क्या कुछ बना रही नहीं हूँ ओके ओ आई थॉट के मार्कर से कर दिया नहीं नहीं अच्छा अभी एक काम करते हैं व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई द फर्स्ट टू टाइम्स हियर ऑन द पेपर एंड इफ ही डजंट गेट इट देन यू आर अलाउड टू डू इट व्हाटएवर ओके वो जरा वो हो जाएगा क्योंकि ऑडियंस भी देख ले क्या बन रहा है ठीक है और थोड़ा हो गया फिर से बना मैं म्यूजिक सुन रहा था तूने लाउड कर दिया था ना अच्छा चलो हाँ पता नहीं यार नहीं समझ आया अगेन हाँ यार आप म्यूजिक लाउड करते हो ना मैं आपकी तरफ सुनने लग जाता हूँ फिर ये भूल जाता हूँ बिल्कुल ऐसे दिल की धड़कन वाला बस साउंड दे दो वही बेहतर होगा मेरे ख्याल से हो रहा ही नहीं चलें अब एक बार यहाँ पूरा बना दो जो भी आप यू आर ट्राइंग टू मेक ये बात वाह यार शाजी आप सही टीचर हो यार माशाल्लाह अच्छा मैं कभी ये नहीं बनाता मैं भी नहीं बनाती बट आई कैन ट्राई नहीं क्या सेकंड क्लास की ड्राइंग का ये नहीं हो रहा है अच्छा अभी वैसे ट्राई करते हैं वैसे नाउ लेट्स ट्राई विद द हां ओके This is the first part, na? Banana part? Haan, sahi hai. Haan, okay. Spaceship pe bhi. Arre wah yaar. Brilliant. Kuch. और वक्त हुआ जाता है हमारे एक सेगमेंट का पूजो तो जाने बहुत ही सिंपल है बहुत अनोखा एक सेगमेंट बहुत ही अनोखा सेगमेंट है बड़ा नया है ये सारी गेम्स हमारी नहीं है इन्वेंट आप ही नहीं किया बिल्कुल हमने कहीं से नहीं उठाई गेम तो बेसिकली आप शाजिया वहां जाएं जहां आप इधर आ जाएं बीवी से मुझे जुदा कर दिया ये आपका है ये पता है ना मुझे एक्टिंग एक्टिंग नहीं आती यहाँ का थोड़ी आपको एक्टिंग आती है एक तो पहली बात तो ये काबिल कोई प्रोड्यूसर नहीं हो सकता जो इस काम को समझता ना हो तो ये तो मैं मान ही नहीं सकता तो और एक्टिंग इतनी करनी है कि इसमें एक बड़ा आसान सा लफ्ज है आप एक लफ्ज बोल सकते हो जो ये लफ्ज नहीं होना चाहिए यू आर अलाउड टू से वन वर्ड एंड इट शुडंट बी दिस वर्ड और आपको उसके बाद में सिर्फ इशारों से ही बताना है कि इसके अंदर क्या है एक मिनट का भाई वक्त है तो पहला आप प्लीज वजाहत को अच्छा, ना दिखे पहले वजाहत गेस करेंगे पहले वजाहत गेस करेंगे ओके ये लाइन कैमरे को दिखा देता हूं ये देखिए इजी कर दे नीचे वाला निकाल लें नहीं तो इसमें मैं रेफरेंस दे सकती हूं एक वर्ड भी बोल सकती हूं एक वर्ड बोल सकती हूं आपको जो मर्जी हो वो वर्ड ये वर्ड ना हो बस उसके साथ राइम करता हुआ ताकि मुझे फौरन पता चले नहीं दैट्स वेरी स्मार्ट नहीं मैं रेफरेंस दे दूंगी तुम गेस करो अच्छा रेफरेंस है अच्छा रेफरेंस अलावा शलावा रेफरेंस एक्टर का नाम है ये सवाल तो मैं पूछ सकता हूँ असफर रहमान मैं भी शायद आप बताए ना हाँ मैं भी शायद गेस हो गया अभी बहुत ज़्यादा ये आसान था अपनी फिल्म की कास्ट को बताना तो आसान होता है हमने ऐसा गेम ये हर गेम में ऐसा होता है मैं हमेशा यहाँ उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा यहाँ ले आते हैं अब आप आ जाओ मेरे ब्लूपर्स बन सकते हैं चौप अगला लव जो है वो शाजिया जो हैं वो अब करेंगी गेस और हम वजाहत उल्टा है ओए ओए ये मुश्किल है अच्छा अच्छा क्या है क्या है एक्साइटेड टू सी टन 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 जी मैं एक्ट कर लेता हूं एक्ट करें दाढ़ी दाढ़ी शेप 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 प्लक दाढ़ी चिन 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 बाल निकालना ट्विजर 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 मुहावरा एक
बाल की खाल निकालना, एक लफ्ज़, एक बाल, मैंने कहा मुहावरा, बाल की खाल निकालना दाढ़ी में से। 20 सेकंड हो चुके हैं। तिनका, हाँ क्या तिनका, क्या तिनका, तिनका व्हाट, तिनका एक मुहावरा है, चोर, यस चोर की डैश में तिनका, क्या है पर्सनालिटी है वो है कुछ तो बता, हमारा अलग है, समझना पड़ेगा, ये उल्टा, आंखें बंद कर ले आप, अच्छा लगा। गंजा जी Are we ready? Okay. And your time starts. बोला नहीं okay. Now. Sound तो निकाल सकता हूँ मैंने. नहीं. अरे यार ये नहीं कर सकते आप यार. ये पूरा नहीं है. नहीं ना यार आप नहीं कर सकते. आप कोई आवाज़ नहीं निकाल सकते. मज़ा आ रहा था करने. मुर्गी. अंडा. मुर्गी से निकला अंडा. अंडा. हाँ अंडे से निकला ऑमलेट. मुर्गी. अंडा. कैसे इशारे कर रहे हो यार आप? मुर्गी प्लस अंडा इज इक्वल्स टू अंडा भुर्जी। नहीं नहीं मुर्गी ऑमलेट अंडा फ्राई अंडा। 30 सेकंड हो चुके हैं। मुर्गी मुर्गी अंडा अंडा मुर्गी एंड उर्दू में क्या होता है और मुर्गी और अंडा। मुर्गी और अंडा करीब हो दोस्त। मुर्गी आप नहीं बोलना है। अच्छा सॉरी ये कौन सी मुर्गी है? मतलब ये मुर्गी 10 सेकंड का वक्त रह गया है। सिर्फ 10 सेकंड का वक्त। उसका अंडा उसका भी है जो इससे पिछला किया। चले आप बोलना नहीं है मैं भी नहीं बोलूंगा। बिल्कुल यार बिना बिना बोले प्लीज। रूल्स फॉलो करें। हां रूल्स फॉलो करें। तुम्हें याद है ना वैसे इसमें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। बोलना नहीं कुछ। वही करती हूं कोशिश अगर उसी में निकाल ले। पढ़ लिया मेरे भाई ने। मैं नहीं पढ़ा। नहीं अच्छा वही चीटिंग नहीं करता मैं। वो ओके बंजा टिंड टिंड टिंडा। एक दिन आगा और हिना बुलाएंगे तो हम जीत जाएंगे। ये गेम हमने खेला क्योंकि सेट पे भी साथ होते हैं सारे बातें बातें तो घर जब तक हम पहुंचते हैं ना फिर हम इशारों की जबान मैं सेट पे इसको ये करता रहता हूँ बार बार तो उसको समझ आ जाती है कि खाना भूख लग गई है। चलो आज वो इशारे काम आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। मेरी बारी है। मैंने किया थी। अब वजाहत की बारी है। कंफ्यूज कर दिया हमने। हम इतना अच्छा खेल रहे हैं कपल कंफ्यूज हो गया। ओके 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 जी एक वर्ड जरूर बोलूंगा मैं। नहीं नहीं उसे पता नहीं चल सकता। उसे पता नहीं चल सकता। कसम से पता नहीं चलेगा उसे। ऐसा वर्ड बोलूंगा नहीं पता चलेगा। तो फिर बोलना क्यों ऐसा वर्ड? ऐसा वर्ड फिर क्यों बोलना? ताकि परफेक्ट स्कोर हो हमारा। नहीं 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 अच्छा ओके वैसे भी हो जाएगा। आई नो लाइट आसमान सोना रात सोना चांद 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 रात चांद ईद का दिन अच्छे प्यारे कपड़े चांद रात ईद पटाखे शबे बरात बकरा ईद का चांद पहले वाला क्लोज था चांद रात यू कांट टॉक सोना जागना चांदी रातें बच्चों को स्कूल भेजना चांद
चांदनी रात में आवा ने पूरी कोशिश की कि मैं किसी से तेज लोग है ना कसम से इतने तेज जी परफेक्ट जा रहा है अगर तुमने हरवाया वेरी नाइस इट इज गोइंग ये बॉल आ रहा यार ये अच्छा आया यार ये थोड़ा सा आई थिंक टफ है ये टफ पता नहीं इनके लिए कोई टफ नहीं लग रहा मुझे जी आइए ये गेम इतनी अच्छी किसी ने नहीं खेली बाय द वे जी अरे वाह फुलझड़ी बारिश सो स्वीट बारिश की जादू 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 अच्छा कंफ्यूज कर रहे हैं अच्छा आप पता मैं सोच रही था मैंने कहा हेल्प कर रहा है मुझे पानी की फाउंटेन फाउंटेन आबशार फुआरा यार ये कौन लोग हैं यार ये कैसे कौन लोग हैं ये ऐसे करने से कैसे पता चल जाता है कि ये फुआरा है कैसे यार ये तो बोला भी कुछ नहीं देखा सब ओके माय टर्न ए यार जी देखो भाई मुझे कोई अब उम्मीद नहीं रही ये बड़ा आसान मेरी बारी थी गेस कराने की तो उल्टा फिर चले अच्छा कोई बात नहीं हम अगली बार दोनों आपसे पूछ लेंगे एडिट हो जाएगा एडिट हो जाएगा हां जी शेव 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 क्या कहते हैं उसको कलेजा नहीं नहीं यार ये कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर फाउंडेशन पर्स सोफा 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 मेकअप पर्स सोफे पे रखा मेकअप का दिल दिल वैनिटी ये बहुत सिंपल होता है मेकअप बैग 15 सेकंड रह गए अल्लाह करे ये वाला ना मेकअप पर्स मेकअप पाउच मेकअप आप आपका मेकअप मेकअप परफेक्ट जा रहा है 5 सेकंड 5 खराब ना करना मेकअप मेकअप 1 यस यस मैंने किससे शादी कर ली है यार यस किससे शादी की हम जीत रहे थे मेकअप बॉक्स मेकअप बॉक्स मेकअप पाउच वैनिटी वैन ये वो डलवाना यार एक तो गलत होना चाहिए पता नजर लग जाती वरना ये क्या होता यूं करते ऐसे करके बॉक्स हो जाता यस यू आर राइट मुझे लेकिन ऐसे लगता है कि शाजिया के ये पाउच नहीं नहीं ये पाउच है बॉक्स करना था तो यूं करते रेक्टेंगल करने का तो हो रहा नहीं था नहीं ये क्या यूं करते क्यों बना रहा है सीधा बॉक्स हो जाता हां ये बॉक्स हो जाता है सही कह अच्छा एक सवाल यही लम्हा चाहिए था चैनल को जवाब मिल गया है गेम के बीच में मेरा एक सवाल है जैसे मैं अभी देख रही हूं कि शाजिया कह रही है कि बॉक्स ना ऐसे कर लेते तो टीचर से शादी करने के नुकसान आते हैं घर पे लेक्चर सुनना पड़ता है ऐसा कुछ है पड़ता ही होगा आई एम श्योर नहीं नहीं लेक्चर ही सुनना पड़ता बट ऐसी चीजें होती है कि उठो काम पे जाओ इस टाइप की बात होती है मुझे महमूद साहब ने छलावा पे ये बात की थी मुझे 11वां साल है मेरा एज अ टीचर आल्सो आई स्टार्टेड इन 2009 तो मुझे महमूद साहब ने हम बदीन में थे छलावा शूट कर रहे थे तो वहाँ पे सब एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और हमें वहाँ से उनको उठाना होता था गाड़ी में उठाना होता था और 1.5 घंटा दूर हमारी हवेली थी जहाँ हमें जाना होता था तो मैं इन सबसे पहले सुबह उठती थी और मैं सारा काम करके सबके नाश्ते पहुँचा के सबको करके वैन में बिठा के डायरेक्टर साहब को उठा के हम निकल जाते थे तो ये बात मुझे महमूद साहब ने कही कि ये जो तुम हैंडल कर रही हो ना ये एक टीचर बना वाला जो तुम्हारे अंदर आया हुआ बिकॉज वी हैव टेकन 2 trips विद स्टूडेंट्स 68 students वी हैव टेकन अब्रॉड टर्की एंड आजरबैजान तो वो इतनी मुझे आदत हो चुकी हुई है ना उन सबको उठाओ रेडी काउंटिंग हेड काउंट फलाना कि वो प्रोडक्शन में मेरी हेल्प हो जाए चार नालायक स्टूडेंट्स थे ना उनको ये लोग वहीं छोड़ के आ गए बिल्कुल भी नहीं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर तो आई थिंक दैट्स मेड मी The way I am now, कि मैं सेट पे भी जो है ना टीचरों की तरह लगी हूँ आवा हमारी प्रोडक्शन में तो सबसे ज्यादा जो एक एरर है वो मिसमैनेजमेंट ही है कि मैनेज नहीं कर पाते लोग तो वो हमें आई थिंक आई गिव क्रेडिट टू माय बॉस आल्सो जिन्होंने मुझे भी ट्रिप्स पे भेजा कि मैं इतनी उसमें वो हो गई हूँ ना कि 4 hours ऑफ स्लीप होती थी और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे होती थी कि वी वर लाइक अप एंड अबाउट सो दैट्स मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ मैंने आवा को भी आपको भी कान में एक बात बताई थी कि आपकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है जिस तरह इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट किया है और नीचे से ऊपर लाए हैं वेरी कर्टियस एंड वेरी प्रोफेशनल शाबाश गाइस थैंक यू और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो ऑर्गेनाइज रखना और बैलेंस रखना कि इनके घर पे मैं फिर कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह 150 लोग भी आए हों तो सबको वजाहत का और शाजिया का इक्वल टाइम मिलता है अगर आप नोटिस करोगे तो वजाहत आपको भी यहाँ फिर वहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि मैंने यहाँ ज्यादा टाइम गुजारना है या ये बंदा ऐसा है वो सबको बराबर टाइम देते हैं विच इज वेरी वेरी नाइस इस पे भी बहुत सारी तालियां और धड़म दिश और आखिरी आई थिंक ये प्लीज इसको आसानी में मत कर लेना ओके हो गया जी ओके लास्ट नॉट द लीस्ट एंड यू ऑल्सो हैव वन लेफ्ट या ओके
जी टाइम स्टार्ट्स नाउ। खाना भूख लगी है वो पूछ रही है हर बात पे ये आ जाता है यार इसके अलावा भी कोई बोला मेरी जान डर क्या रही हो जबकि ये देखो ना चीज का कोई ताल्लुक नहीं है इससे नहीं मैं ये कह रही हूं नहीं गलत है आप बोल नहीं सकती सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं हम होस्ट हैं हाथ और बाल हाथ बाल ओके बाल बाल नहीं नहीं क्यों बाल तुम भी चल मेरे हेड टीचर ने डांट दी है खाना हाथ और सर से कौन वो कह रहे हैं कि अपने सर पे ये ततर ततर ये और खाना भी साथ में हाँ सब मिक्स सही है यार इसके अलावा कोई और हिंट दो महफिल कड़ा 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 अकल समझ सर सर टोपी सर हाथ बाजू बोले चूड़ियां सर बाजू नी 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 घुटना की करण नहीं है नी शिन पैर सर पैर सर पैर मिसाल है सही है मिसाल है सर पैर खाना सर पैर खाना ये अच्छा दमाग दमाग खाना नहीं फिर अच्छा फिर मैं पूछ रहा हूं आप बोल नहीं सकती देखें गलत बात है मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा 10 सेकंड रह गए हैं 10 सेकंड काउंटडाउन हमारा शुरू हो चुका है सर पैर मिक्स करके खाना सर पैर मिक्स करके खाना 8 5 बनाए हुए यार 7 सर पैर 6 छोड़ो एक माइनस किया एक मेरा बनाना 3 बनाना 2 खाने की चीज है सिरी पाए अभी 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 मैंने बोला सर पैर खाना तो भाई कहते पाए है क्या अपने जोक मार रहा हूँ जब मैंने पाया कहा था ना तो सुनो अगला कहता है मैंने नहीं सुना नहीं वो क्योंकि उतनी परेशानी में थी चलो ओके एक एक माइनस नो इज परफेक्ट ओके सो एक आपका माइनस और एक इनका आखिरी चांस है विजात के पास अच्छा एक रह गया मेरा और हमारे सेट पे सारा वक्त सिरी पाए होते अगर आपने ये गेस कर लिया तो आप जीत गए और अगर नहीं कर पाए तो ये जीत गए देखते हैं सिंपल बहुत इजी है वजाहत ने बोला बहुत इजी है कर सकेंगी या नहीं जी कलम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ खत यार और लाओ कुछ बहुत अलाइव उस खत वेरी नाइस वेरी वेल डन बहुत ही बेहतरीन बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त और ये हमारा गेम खत्म होता है और इसका आखिरी जो स्कोर रहा है वो ये रहा है कि दोनों की माशाल्लाह इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी है कि दोनों का एक ही मार्क कटा तो आप दोनों ही विनर हैं तो बहुत सारी तालियां और तो वजाहत अगली फिल्म आ रही है पर्दे में रहने दो जी जनाब और पर्दे में रहने दो में आशिर भी है नहीं बिल्कुल भी नहीं अब आशिर बड़ा हो गया है अब वो खुद अपनी रोजी रोटी कमाए तो अभी कहाँ शूट वूट पे है हाँ कहीं स्टूडियो में किसी स्टूडियो में हाँ, तो माशाल्लाह से वो भी काम कर रहा है रेगुलर और हाँ, पढ़ता भी है ए लेवल्स कर रहा है माशाल्लाह से 7 A's आए 7 A's आए 8 A's सॉरी 8 A's टीचर का बेटा होने की वजह से ये उसको एक माशाल्लाह ट्रेनिंग मिल रहा है बिल्कुल वो उसकी अपने दोनों बच्चे मेरे माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं खुद पढ़ते हैं और उनका जो है आई लेफ्ट देम आफ्टर क्लास से ओके Alright, now we have a surprise for Mujahid and Shazia. Let's welcome the talented, the amazing Ashir Mujahid. फैमिली पूरी आ जाएगी एक सोफे के ऊपर या मैं एक चेयर और लगवाऊं मैं कितनी जगह लेता हूं मैं वही कह रहा हूं लेकिन अब ये फैमिली इंटरव्यू होने वाला है मुझे लगता है कि अब दो लोग चुप रहेंगे और सिर्फ एक बोलेगा ये सरप्राइज था भाई ये तो नॉर्मली बनाया हुआ स्क्रिप्टेड होता है जी ये तो वाकई में शाजी को बोला ये लड़का अच्छा मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि वजाहत की टेंशन मेरी तरफ रहे मैं सवाल पे सवाल बना रहा था वो वजाहत इज लाइक मेरे चश्मे नहीं पहने मेरे बेटे जैसा आशिर को बुलाने का आईडिया भी आगा का था यस बिल्कुल मेरा था बिल्कुल ये गुड आईडिया अच्छा नहीं सरप्राइज फिर मतलब कॉम्प्लिश हुआ कहो तुम भी आजकल मैं बस नहीं आ रहे हो करते हैं अभी शो में बात करते हैं तुझे कह रहे टाइट वो शर्ट टाइट नहीं हो जाती छोटे साइज की डिजाइनर भेज देते हैं ऐसा सोफा लग रहा है ये बहुत ही करीब बैठ गए क्लोज क्लोज नेटेड फैमिली वी हैव द मोस्ट फन फैमिली ऑन द सेट देयर इज अ लॉट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एंड आई वुड लाइक टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आशिर
आशिर एक्चुअली जब हमने ड्रामा एक साथ किया था जो सीरियल मैंने आपका किया था तब आशिर बहुत छोटा लगता था, ये पता नहीं बच्चे को खींच के बड़ा कर दिया इन्होंने, इतना बड़ा हो गया इतने थोड़े से टाइम में। सरप्राइज हुई, दो साल मतलब एक साल के अंदर लिटरली क्या खिलाया है आपने? देखिए हाँ ये हम पूछना चाहेंगे, स्टीव जॉब्स बन के आया हुआ लग रहा है, इसने कोई इजाद की है। अच्छा हैंड माइक आशिर, ये आपका मेरे ख्याल से तो आपका फेवरेट दुनिया में सबसे माइक ही है, हथियार है बिल्कुल। अच्छा आशिर को गाना गाने का शौक है? शौक है, शौक क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस में देख रही होती हूँ कि ही इज सिंगिंग, ही इज अ सिंगर। कितने गाने रिलीज हो गए आशिर अभी तक? अब हो गए चार, तीन चार तो हो गए, ज्यादा हो गए, छह सात हो गए माशाल्लाह। माइक में बोलो, ओके तड़प रहे हैं टीम वाले ब्रेक के लिए, तो एक ब्रेक लेते हैं और वहां से वापस आ गए आप लोगों को दिखाते हैं कि और मिलवाते हैं और मुझे आशिर की सिंगिंग सुननी है आज लाइव। जी मैंने तो बहुत सुनी है, मैंने तो इनफैक्ट हमने वो बेसमेंट में बहुत गाया बजाया भी, आज भी कुछ गाएंगे बजाएंगे। ऐसे सेगमेंट का जिसके बगैर कोई भी शो इनकम्प्लीट है, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। और मैं शाज़िर की तरफ इस तरह घूर घूर के इसलिए देख रही हूं, जो टीम पूछ रही थी सवाल दो चार वो पूछ रहे ना आशिर से, क्योंकि ये दोनों लोग तो नहीं बताएंगे। अच्छा आशिर बहुत ही छोटे छोटे से रिवाइज के सवाल है, ठीक है ना, तो बस मैं सोच रही हूं इनका शो का टाइम लेना यार, जरूरी है ना, जरूरी भी है, जरूरी भी सब लेते हैं। अच्छा फैमिली वेकेशन, अच्छा आशिर से मेरा सवाल है कि दोनों में से फैमिली वेकेशन कौन डिसाइड करता है, कौन करता है, बॉस कौन है इस मामले में, बर्थडेस कौन याद रखता है? बर्थडेस दोनों वैसे, लेकिन आई थिंक अगर कोई भूले तो आई वुड एक्सपेक्ट मामा टू फॉरगेट। लड़ाई कौन शुरू करता है? हां सच बता दो, ये दोनों तो में से तो सच में बोलना आशिर, देख देख लड़ाई कौन शुरू करता है? लड़ाई मामा, मामा शुरू करती हैं मुझे, ओहो मुझे ये सब प्लीज देखने वाले मद्देनजर रखें कि फैसले सारे अब तक मामा कर रही हैं और फटा भी पहले मामा ही कर रही हैं। घर के रूल्स कौन सेट करता है? घर के रूल्स जो है वो हाउस रूल्स, मतलब कि खाने में क्या बनेगा, कितने बजे सब सोएंगे उठेंगे टाइप जो रूल्स होते हैं। पहले सॉरी कौन कहता है? बाबा। ओके अच्छे गिफ्ट कौन देता है? अच्छे इंसान है, अच्छे गिफ्ट्स कौन देता है? प्यार वाला आदमी हूं मैं, ना झगड़े करता हूं ना बेशक। यार वैसे हम कभी हम वो वाले मेरा मेरे भाई दोनों का कभी वो नहीं रहा गिफ्ट्स मांगने वाला, लेकिन दोनों एक दूसरे को कौन ज्यादा गिफ्ट देता है? बाबा। ओके और दोनों में से एक्सप्रेसिव कौन है ज्यादा? ज्यादा बाबा। ओके बाबा जी आपने नोट किया, बाबा जीत रहे हैं ज्यादा। एडवाइजर, एडवाइजर कौन है घर में के हर चीज में मशवरा देना है, इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो? हमने सुना है घर में, मतलब अब पता है अब ये कुछ टॉपिक्स पे बाबा से एडवाइस ली जाती है, कुछ पता नहीं क्या ही बोल रहा है, घर की बात कर रहे हैं और वैसे मशवरे सही वाले। मतलब ऐसे मैनिपुलेट करके नहीं जीत सकते ये। चलो ठीक है मजाक कर, लेकिन है कुछ चीजें हैं। अच्छा दो आखिरी सवाल हैं कि घर में पैसे कौन ज्यादा बचाता है, कौन कहता है कि यार ये खर्च नहीं करे, फिजूल खर्ची है, बचाओ कौन है लगाओ कौन है, और शाह खर्च कौन है घर में? मैं और बाबा दोनों।
कमाने से पहले उड़ा देते हैं पैसे, आने वाले वहाँ से वो हमने काम कर लिया था। चाइनीज रेस्टोरेंट का माशाल्लाह आधे साल का खर्चा आप भी उठाते हैं, पूरे साल का, पूरे साल का ही, मैं नाम नहीं बताऊंगा। हम लोग दोनों इस मामले में ऐसे हैं और वो अच्छी है, इंटेलिजेंट है इस मामले में। हम लोग कहते हैं, हमने ये भी अब कमाता है ना, अपने खुद एंडोर्समेंट की, ये वो किया, हमारे जो आने वाले पैसे होते हैं ना उसकी चीज़ हम पहले खरीद लेते हैं। अच्छा, कुछ टीवी खरीद। अच्छा, हमने कुछ साइबर कैफे का सुना है, साइबर क्राइम का सुना होगा आपने, साइबर कैफे का कुछ। कल मेरा पेज हैक हो गया, इससे मुझे नींद से उठाया, मैं लेट सो रहा था। अरे हमें इसका भी पता चला, उठाया उसे, तुम्हारा पेज हैक हो गया और बड़ी काबिले एतराज पिक्चर्स लोग शेयर कर रहे हैं। अल्लाह, मैंने कहा उठ के मैं हैंडल कर लूंगा, उसने कहा नहीं नहीं पिक्चर दिखाई मुझे, फौरन उठ गया। फिर आजकल बहुत इज्जत का सवाल है, पिक्चर देख के आप खुशी से उठ गए क्या? आपने कहा कि नहीं, तो डर गया यार बहुत, बड़े मुश्किल से यार, क्यों आधे लोग बिलीव कर लेते हैं भाई जान मूड में होंगे, इन्हें शेयर कर दी होगी। हाँ, ट्रू ट्रू, ऐसा हो जाता है, बढ़ने को फौरन। लेकिन नहीं, चले अपने शो में ही बता देते हैं कि वजाहत साहब का जो फेसबुक अकाउंट है, उनके बहुत ही कमाल शो आप करते हैं, वॉइस ओवर मैन, ये भी कमाल बात है, कोई और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा कोई शो नहीं करता है, ये टैलेंट भी सब कर लूंगा मैं, ये इंसान पूरी इंडस्ट्री का कर लिए, 80 शोज मैंने कर लिए, खातून रह गई हैं सिर्फ, और बड़ा इंटेलिजेंटली स्लिप हुई है ये। हाँ, कि अभी शादी हुई है, अभी ये है, अभी वो तभी हम ट्राई कर रहे थे कि हिना भी आ जाए। हाँ, लेकिन हिना था, आगा ने कब ट्राई की? आगा जी, आगा। हाँ, मैंने की थी, मैंने आपको बिल्कुल कहा था, और आपने मुझे कहा था कि आप ये कराएं, मैं देखूंगी और फिर मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगी कि हाँ। और वो भी आ चुकी है गेस्ट को देख के, ये वो कर लेते हैं। ओके ओके, अच्छा आगा, अब हम चले रैपिड फायर राउंड की तरफ, ये और मजीद बातें करेंगे। जी, तो ये भी एक बहुत ही कमाल रैपिड फायर आपसे खेलेंगी हिना जी, हम मैं खेलूंगी शाज़िया के साथ रैपिड फायर राउंड, आपकी बारी आएगी। और शाज़िया को देखे मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स योर ब्लंट, योर स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या ऐसा है? बहुत ज्यादा ऐसा है बहुत ज्यादा ऐसा है, तो मैंने इसलिए अपनी टीम से कहा था कि रैपिड फायर शाज़िया के साथ लाजमी होगा। तो पता नहीं क्या हो गया, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूं। रोल यार, चलो आओ जी, पूछे सवाल। किस हीरोइन के साथ वजाहत को काम नहीं करने देंगी कभी भी? उर्वा, माया अली, मीनाल खान। अगर एक ख्याल है कि मैं नाम ले लूंगी इस शो में, एक एक नाम ऐसे ही, कि मतलब ऐसे हमारा बिल्कुल नहीं, आई थिंक मेरे, आप पर्सनली आई वुड लव टू। कल तो बोल रही थी आप उसके साथ नहीं हो गया, किसके किसके किसके, कौन आशिक, कौन, कल ही तो बात हो रही थी इस बारे में, क्यों झूठ बोल रहे हो? चलो अच्छा, अगला सवाल, कौन है जिसको एक्टिंग क्लासेस लेने की जरूरत है? जुनैद खान, हीरा मानी, अफान वहीद। हां जी, कौन है जी जिसको ले लेनी चाहिए क्लासेस? ये वॉइस ओवर मैन बनी हुई है और ये मरवाई है, ले लेनी चाहिए, मुझे मजा आ रहा है। मैं इफ आई हैव अ गुड चांस आई विल टेक एक्टिंग क्लासेस, इट विल ओनली रिफाइन आवर वर्क। आप अपने बारे में कह रहे हैं, किसी और के बारे में क्या क्या दिखाएंगे? तीनों बहुत अच्छे हैं, तीनों में से किसी को, किसी एक का नाम नहीं, जुनैद के साथ भी काम किया है और अफान के साथ भी किया है, हीरा के साथ काम नहीं किया, जरूरत है एक्टिंग क्लास, हीरा को ले लेनी चाहिए। आई थिंक आपने आपने नाम गलत डाले हैं, नाम गलत डाले हैं, कोई बात नहीं, आपको एक नाम बता दें जिसको लेनी चाहिए, चलें बताएं। एक्टिंग क्लासेस आशीर बजाज को, कैसा बजाया? चलिए ठीक है, अगला सवाल, किस एक्ट्रेस को लीड रोल में लेना नहीं चाहिए? हीरा मानी, हानिया, आमिर, मावरा। मावरा। कौन है जो आपको ऐसा लगता है कि एक्टिंग पे कम ध्यान और इंस्टाग्राम पे ज्यादा ध्यान है? मंशा पाशा, फरियाल महमूद, यशमा गिल। इसका तो जवाब दिया जा सकता है, ये तो बहुत आसान है, यशमा गिल। कौन है अगर कोई बात नहीं, कौन है कि अगर आप फिल्म बनाएंगी तो उसको एज अ कपल लेंगी? सज्जल एंड अहद, मायन शहरयार, उष्णा अब्बास, उष्णा एंड बिलाल अब्बास। पहला क्या था? सज्जल एंड अहद, सज्जल एंड। कौन है जो इंडस्ट्री में किसी का फेवरेट नहीं है इसलिए उसे लीड रोल नहीं मिलता? गौहर रशीद, फरहान सईद, उस्मान, खालिद बट। फरहान सईद तो बहुत रोल करता है, मेन रोल करता है। आई थिंक गौहर रशीद बेचारे को चांस नहीं मिलता, ऐसे उसने रोल्स कर लिए हुए हैं कि वो अब थोड़ा उसको तरह, एक, हाँ, एक स्टैंप कर दिया, हाँ, कि ऐसे ही रोल कर दिया कि नहीं वो कर सकता। बट गौहर बहुत ही बेहतरीन, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, बट आई एम फील कि शायद लोग इस वजह से नहीं लेते। इंडस्ट्री का एक बड़ा टिपिकल तरीका है हीरो कास्ट करने का, और वो गौहर थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा ऑफ बीट लगता है, तो उसके लिए कैरेक्टर्स निकालने चाहिए। ये था मेरा कवर अप, जवाब वो दे चुके हैं। दिस वाज रैपिड फायर राउंड शाज़िया वजाहत के साथ, एंड आई थिंक इट वाज वेरी गुड। हमारे अलग-अलग सवाल यही हैं,
जी अच्छा ये हमारे सवाल बिल्कुल एक ही हैं, अच्छा तो कोई हम अनफेयर नहीं खेल रहे। आपने मेरे से पूछना है, मैंने आपसे पूछना है। हमने एक दूसरे से पूछना है। पहला सवाल मैं पूछूंगा और फिर आप, ये मुझे प्लस पॉइंट मिलता है क्योंकि मैं होस्ट हूं शो का। डन हो गया। तो पहला सवाल जो आपसे है, जिसके अगर आपने जवाब नहीं दिया यू विल हैव टू ईट, आपको किस केस में खाना पड़ेगा ये बताएं। अगर मैंने जवाब नहीं दिया, चलो जवाब, और सामने वाला क्या खाएगा ये चूज भी हम करते हैं। ओके, तो पहला सवाल जो कि मैं वजाहत राव साहब से पूछना चाहूंगा वो ये है कि वो कौन सा एक्टर है जो राइटर को खुद से फोन करके अपनी लाइनें बढ़वा लेता है? बढ़वाता नहीं है लेकिन इमरान अशरफ फोन करता है राइटर को जरूर। अब वो क्या बात करते हैं मुझे नहीं पता। नहीं, हमारा सवाल ये है कि कौन सा ऐसा एक्टर है जो लाइनें बढ़वाता है। मुझे क्या पता उन दोनों में क्या बात हो रही है आपस में। तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि इमरान अशरफ लाइनें बढ़वाता है। इमरान बोले जैसे तू चाहे वैसे तू। जी आपका सवाल। ओ मेरा सवाल, वो कौन सा नहीं, वो कौन है जिसे आप घर अपने इवेंट्स में नहीं बुलाते और वो आ जाते हैं? मैं घर पे इवेंट ही नहीं होते, वैसे आ जाते हैं जो घर पे आप इनको नहीं बुलाते। मैं ना बुलाऊं तो आ जाते हैं। मेरी दोस्त है फरियाल और जर्निश दोनों। अच्छा। तो आई थिंक अगर कभी इवेंट ऐसा हुआ कि मैंने बहुत लोगों को बुलाया और उन्हें पता चला कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया तो मेरे कान खींचने वो आ सकती हैं। दे दिया मैंने जवाब, नहीं मुझे कुछ खाना पड़ेगा। ऐसे जवाब देने के दोस्तों के नाम ले लो और बच जाओ। आप ले सकते हैं यासिर इकरा मेरा। और जी तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन है जिसको आप हीरो नहीं बल्कि हीरोइन का बड़ा भाई या हीरोइन का बाप बनने का रोल करना चाहिए? इन लोगों में से वो कौन है जिसको आप थोड़ा शर्मा जाना चाहिए कि यार अभी हीरो हो गया, बहुत साल हमने कर लिए तो हमें नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस ये चैनल ने दिए, मैंने नहीं दी। तीन नाम लेता हूँ एक के बजाय। तीन है, एहसन खान, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, में से कौन? तीनों तीनों को अब नहीं करना चाहिए। बकौल वजाहत राव साहब के, एहसन खान, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी साहब को अब हीरो नहीं आना चाहिए। बहुत काम कर दिया ना उन्होंने, अब दूसरों को चांस देना, सीनियर लोगों का जस्टिफाई भी करने देना, काम करना चाहिए। हीरो बन गया। अगला सवाल आप पूछेंगे मुझसे। जी, किसको इंडस्ट्री में उसके रिश्तेदारों की वजह से जगह मिली है? आज इसमें से मेरे ख्याल में आशिर को नहीं मिली। टैलेंटेड मैं ये नहीं कह सकता, अगर मैं मानता तो जरूर कह देता। किसको अपने रिश्तेदारों की वजह से जगह मिली है? जगह मतलब प्लॉट मिला कहीं पर उसको या काम मिला है? इस वजह से काम मिला है। बोले बोले आशिर का नाम ले, फिर जितनी अच्छी बातें की है ना ये अपने इंस्टाग्राम पे लगाएगा कि आगा भाई जो है ना वो मेरा अब्बा सही बजा रहा था, आगा गलत गा रहा था, वो गाना दिल आ रहे। वो कौन है जिसको? अच्छा वैसे ये जवाब मैंने भी सुनना है। हाँ मैं बताता हूँ, शहजाद। चल ठीक है, गुड आंसर। शहजाद शेख। शुक्र है पूरा बता दिया, बाद में मुकर जाता कि मैं तो शहजाद लाने वाला था। मैंने पूरा नाम ले लिया। मैं इसको थोड़ा वो मिला जरूर है लेकिन उसके बाद उसने जो मेहनत की है आगे सब किया है, उसके बाद से करियर फ्लरिश हुआ है तो शुरू में जरूर हुआ होगा ये प्लस पॉइंट। ओके योर टर्न। जी मैंने पूछना है सवाल। ओके जी, हाँ वो कौन है यार, ये बहुत अच्छा यार, ढूंढ रहा सबसे मुश्किल। वो कौन है जिसकी सोशल मीडिया टीम उसके स्टेटसेस अपलोड करती है क्योंकि उसको खुद अंग्रेजी में कुछ मसला है? अच्छा एक बात मैं पहले बोल देता हूँ, इससे पहले somebody will feel bad, अंग्रेजी एक जबान है, आना ना आना कोई इतना बड़ी बात नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री उर्दू है और पंजाबी हो सकती है या सिंधी हो सकती है, अंग्रेजी तो हम बनाते नहीं है, तो अगर नहीं भी आती नॉट अ प्रॉब्लम, पर आप बताएं। मैं इसका जवाब देता हूँ, ये है कि जिनको आती भी है ना उनकी भी टीम्स ही आती है। यस सर, हमारा सवाल है क्यों है जिसको नहीं आती और टीम नहीं आती? सिर्फ नाम चाहिए, हम मेसी देखें। यासिर हुसैन। यार ये बड़ा सेव करने की कोशिश की है पर उसके होते ही नहीं है, मुझे पता है वो अंग्रेजी में अपलोड ही नहीं करता, वो तो उर्दू लिखता है। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली, नाम लेना था यार, लेकिन एक अब ये थोड़ी आगे से गलत जवाब, ये गलत जवाब, ये आपको कुछ खाना पड़ेगा। आपने नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया लेकिन वो अंग्रेजी स्टेटस डालता ही नहीं है। हाँ तो वो तो अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मैंने आपके जवाब कुछ खाना पड़ेगा। मैंने वो तारीफों वाली बातें जस्टिफाई वाली नहीं कही, फिर यार मेरे घर आ कुछ खा लो, कोई रूल नहीं बताए गए थे मुझे। अच्छा चले कोई बात नहीं, इमरान अशरफ, बकौल इनके आपके स्टेटसेस आपकी पीआर टीम डालती है, आप नहीं,
बाकी आपकी मर्जी। आप इसके बाद में इमरान यासर का नाम नहीं ले सकता, ये मैंने खुद रूल बना दिया। ठीक है, चले डन हो गया, डन हो गया। आए आपकी बारी। ओ मेरी बारी, निकाल दो। मैं अपने सवाल नहीं बना सकता। नहीं चले बना लें, आपको बनाने आपको इजाज़त है मेरी तरफ से। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस मेकअप के बगैर पहचानी नहीं जा सकती? हाँ जी, मेरे ख्याल में ये वाला हो जाए। आप बता दें, मैं मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, इसका जवाब आप ही देंगे। वो अपने रैपिड फायर कर चुकी हैं। आशिक कॉल कान में बता दे, मैं नाम दे दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। वो बड़ी तेज लग रही है भाई, मेकअप इतना ज्यादा करते हूं कि अच्छा मैंने खुद देखा नहीं है, मैंने सुना है उनके बारे में। हीरोइन का ही नाम लेना है और वो खुद भी कह रहे हैं। मामा का दिल नहीं बस हो रहा कि कोई एक और जवाब ऐसा दे दें। कौन सी वाली थी? नो नो, ये खाना अलाउड नहीं है, इसमें से कुछ खाना अलाउड वाली ये नहीं अलाउड। अच्छा, इवन ही नोस। हां, मैं इसीलिए कह रही हूं, आप जानते हैं उसको। मैं जानता हूं उसको। हां, आपने काम भी किया है। मैंने काम भी किया है एज लाइक अ पेयर। हां, अब उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, यहां भी तुम ही फंसा जा रही हो। उन्होंने काम छोड़ दिया है। कैसी बीवी है यार ये? क्या और इन दो ना, कोई काम भी छोड़ दिया, शादी कर ली है, बच्चा भी हो गया। आप 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 नहीं बोले, आगा को बोलने दे। ओ हाँ, एक तरह से बात ठीक है, वाकई बहुत फर्क है। वो सनम चौधरी, वो खुद बोलती है। सनम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। बट वो खुद कहती है। बुरा नाम मनाना प्लीज, बुरा नहीं मनाना, बट इट्स ट्रू, शी इज वो वे टू डिफरेंट इन रियल लाइफ। वो खुद कह रही थी, सही कह रही थी। मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। ओके, वो कौन है जिसकी वजह से हमेशा शूट लेट होती है और वो कभी टाइम पे नहीं आता? अरे बिग क्लोजअप बनाओ, ये मुझे कभी नहीं रिएक्शन देखने को मिला। हरी मिर्ची खिलाना जी। अब ये आपकी बेगम ने मुझे कह दिया, ये आपको एक बाइट लेनी पड़ेगी अगर आप जवाब नहीं देंगे तो। कौन है ओए हरी मिर्च? नजात राव साहब, वो कौन है जो हमेशा लेट आता है जिसकी वजह से शूट लेट होती है? यार एक बात बताओ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड बचा रहे हो, मुझे बाप को बचा रहे हो, बाप को बचा रहे हो, बाप को। हां, मुझे फॉर अ फैक्ट पता है कि इनको हरी मिर्ची बहुत पसंद है। हाँ। तो ये ना खिलाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद। ये चेंज होगा, ये बेगम ने बचाने की कोशिश की थी। मैं सीरियस बात कह रहा हूं, इनको पसंद है। खिलाते हैं एक हल्का सा छोटा सा प्यार आइडिया था उसको बुलाने का। मेरा मेरा मेरा। अरे तुम मुझे बचाओ, तुम क्या कर रहे हो? ये जवाब ना देने पर मजाक राव खाएंगे। अच्छा, ये सब बोलते हैं ऊपर से। बड़ा डिप्लोमेटिक एक्ट किया है भाई। इज इट बैड? इज इट रियली बैड? नहीं, अच्छा है बाकी। मैं दोपहर को भी यही खा के आया हूं। ड्रिंक सम मिल्क इफ टू। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, बिल्कुल सेट हूं। ओके, मजे का आगे भी यही खिलाना। आपकी बारी है। अच्छा बच्चे, ऐसी बात है, आ जाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं क्योंकि वो आप पे लागू नहीं होता। जो आपका दिल करे। मैं वो कौन सा एक्टर है जिसको जिसके साथ आपने प्रोजेक्ट किया और फिर बहुत पछताया? अगर कभी मीडिया ने मुझसे पूछा, पर आई लिटरली थोड़ा मैं पछताया था। दैट वाज सकीना समो, दैट वाज द प्रोजेक्ट विद मेरे बेवफा एंड शी वाज द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा एंड हैड अ टेरिबल टाइम ऑन द सेट। है वो, या इट्स वेरी, बहुत अजीब टाइम गुजरा। वो बड़ी पर्सनल भी उसमें एक वजह इन्वॉल्व थी, मैं उनके बारे में वो नहीं जिक्र करना चाहूंगा, बट इट लिटरली वाज वेरी टफ फॉर मी टू गेट डन विद द ड्रामा। चलो, गुड आंसर। मतलब गुड आंसर तो नहीं, लेकिन वेल डन, वेल डन। अगर ये मुझे सेल्फी लेट होगा तो मैं यहां खड़ा हूं बीच में। अब आपकी बारी है। आपका में आई है यहां पे। जी, लंबा सेगमेंट है यार। एक सवाल, अब आप एक एक सवाल है, दो दो सवाल या एक एक सवाल रह गया है सिर्फ। आपसे मैं पूछता हूँ, वो कौन है, वजह हो ना हो, वो एक्टर खुशामद बड़ी करता है? वो नाम मैं ले चुका हूँ। नहीं, उसका फिर आप नाम नहीं ले सकते यार, मतलब इतनी घरेलू ताल्लुकात से जरा घरेलू भी नहीं है ना, घरेलू भी नहीं है। अच्छा, आप वैसे अगर चाहें तो आप नाम रिपीट कर सकते हैं। मैं अभी क्या आपके रूल लगा रहा हूँ, टीम कह रही है कि आप खुशामद करता है। बहुत खुशामद करता है, और जाहिर है खुशामद वही करता है जिसको आगे काम चाहिए, रीजन होता है पीछे। कौन है सर, बोलो ना। हाँ, ऐसे इसमें रूल सुनी है ना गेम में, बताओ ना सर कौन है यासर के अलावा? अता एहतशामुद्दीन। कभी नाम लेना है ना, एक्टर का नाम ले लिया। एहतशामुद्दीन वो खुद है। अच्छा, फिर मुझे सोचने दो, कौन सोचो जरा कौन है। खुशामद की तारीफ बहुत जो जब भी मिलता है तो आपको कहता है कि यार मजाद भाई क्या बात है आपकी, यार आपका जो काम, जिस दिन मैंने आपके साथ काम कर लिया ना उस दिन सीन ऑन हो जाएगा, पता है ना कभी कब कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब है आग अली। ये कभी नहीं हुआ, जवाब देना था ना, ये गलत गेम के शुरू में कह दिया था कि नाम लेना था। ये मेरे ऊपर जरा सा इल्जाम है, ले लिया। मैंने शुरू में कह दिया था कि ये नाम सारे गलत होंगे क्योंकि खाना ना पड़े और
सेहत की मौत बचाने के लिए। ये कितना गलत है यार, क्या ये नहीं करते ऐसा, लेकिन मैंने नाम ले लिया बस। नहीं तो नहीं करते ऐसा, मतलब ये कि फिर नाम लेना चाहिए किसी और बंदे का। चले देखो आपने मेरे काम एक सवाल आपका रह गया, आप पूछ लें तो हम इसके बाद यहाँ से चलते हैं। आप बच गए इस सवाल में, आपने मैं खुद पूछ लूँ या आप भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे रहता जी। पूछे, चीटिंग कर सकते हैं करें आप? वो कौन सा एक्टर है जो सबसे ज्यादा अपनी तारीफ खुद करता है पब्लिकली? पब्लिकली पब्लिकली तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है पे, टॉक शोज पे इधर उधर, टॉक शोज पे मैंने नहीं देखी किसी को अपनी तारीफ। एक है तो आप बता दें। मैं भी सोच रही हूं मिलके मिलके बोलिए। मैंने सवाल इसलिए बनाया, इसलिए बनाया कि मैं नाम ले सकूं। नहीं नहीं आप करें, मैं कान में बता दें। अरे मैं बाद में बताऊंगा, आप कट करके कर देंगे, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा जवाब से। नहीं 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 मुझे पता है क्या जवाब है, लेकिन आप बोलना नहीं, वो आप पे पड़ जाएगी फिर बात। पढ़ाओ मेरे पे, मुझे आदत है पढ़वाने की। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है। हां वो बहुत बड़ी बात है यार। मैं बाबू लू एक है, मैं हिंट कर रहा हूं ना, एक है जो हर इंटरव्यू में अपनी तारीफ करता है बहुत। कौन है? चीजें भी बांटता है फ्री में। करता है या करती है? आमिर लियाकत साहब? नहीं यार, बहुत नहीं। हां हां या नहीं पता नहीं, बोल देंगे जवाब। ऑलराइट अगर ये इस बात को हाईलाइट करना चाहते थे तो मुबारक हो, वो हो गई है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू शो। आंखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे 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 तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे, दिल हारे पुकारे तुझे, मन जाने बना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गा रे।